हेलो जी, हेलो, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैंने आपको पीछे दिखाया था, पिछले वीडियो में आपने देखा था, मैंने नर्सरी की तैयारी शुरू करी थी। तो अभी मैंने, देखो दिखाओ, ये हो गया हमारा कंपोस्ट, अभी लेके आए हैं। और ये हो गई आपकी मिट्टी, और ये थोड़ा सा कंपोस्ट उसी दिन का बचा हुआ है जिसमें कोकोपिट भी मिला हुआ है। तो कोकोपिट मैं इसमें नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बस ये जो बाकी का बचा हुआ है इसी को इस्तेमाल करेंगे। इसमें थोड़ा सा ही कोकोपीट है, तो दिखाते हैं आपको। इसको मिक्स करता हूँ पहले, ये जो मतलब हमारी मिट्टी तैयार करते हैं, और उसके बाद इसमें बीज लगाएंगे। तो आज बीज हम ट्रे में नहीं लगाएंगे, कुछ और अलग से लगाएंगे, आप दिखाते हैं। अभी मैं इसको सफाई कर देता हूँ, इसमें कुछ पत्ते वगैरह भी पड़े हुए हैं, कुछ जड़े हैं जैसे पौधे निकल जाते हैं उस पर। ये इस तरह का है ये सिस्टम, तो इसको मैं साफ करके तब इसको इस्तेमाल करूँगा। तो ये तो मैंने सफाई कर दी है इसकी, अब इसको मिट्टी को मिला लेते हैं, उतनी ही मिट्टी है जितना खाद है। और ये अपने खेत की मिट्टी है, और इसको भी मिक्स कर देते हैं जो बाकी का बचा हुआ है। तो ये है ना, ये उपलों की राख है, उपले और कंडे, जिन्हें कंडे भी कहते हैं, उपले भी कहते हैं। तो ये अच्छा काम करेगी, पोटास का काम करती है, तो थोड़ा सा इसको भी मिक्स करेंगे। बस ये देते हैं मिक्स। तो दोस्तों, अपना जो मिट्टी खाद है पोटिंग मिक्स अपनी तैयार हो गई है। अब इसको मैं फिल करूंगा और फिर इसमें बीज लगाएंगे। देखते हैं होते हैं नहीं है, होंगे या नहीं होंगे, हर बार फेल हो जाते हैं ना। अब देखते हैं कि पास होंगे या फेल होंगे। पास होना, फेल क्यों होना? और आज तो धूप निकली हुई है, अब तो मौसम सही हो गया है, और आज डेट है 24 जनवरी और 2024। म्यूजिक लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने लिए हैं ये डिस्पोजल कप, ये जो चाय के और कॉफ़ी के कप आते हैं ना, अभी तो थोड़े से हैं, यदि कम पड़ेंगे तो और आ जाएंगे, तो मैंने सोचा इन्हीं से इस्तेमाल करते हैं। ये अपने कैसा खेर दिए, डिस्पोजल हो गया। चलिए, तो इनको फिल करते हैं। पहले वो दिखाना, पहले इनमें होल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसको ना मैं पहले होल कर देता हूँ, जिससे ना एक्स्ट्रा वाटर, यदि हम वाटरिंग करेंगे तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल जाए। ये देखिए, इस तरह मैं सभी गिलासों में होल कर देता हूँ। तो ये ना, हम यदि चाहेंगे तो इसको इसी तरह भी, इसको जब जर्मिनेट हो जाएगा इसमें जो सीड, तो हम इसको सीधे इस तरह डिप कर सकते हैं मिट्टी में। और क्योंकि ये बिल्कुल कागज़ का बना हुआ है, तो ये रिसाइकल हो जाएगा इसी के अंदर। बोलो, रुक जाओ अभी। तो दोस्तों, कुछ गिलास तो ये हो गए हमारे जिसमें हम लगाएंगे, और कुछ ये कम पड़ गए, ये वाले कम पड़ गए थे, तो फिर हमने ये वाले इस्तेमाल कर लिए। ये थोड़ा छोटा साइज है, और ये मेरे हाथ में है बीज तोरी के, तो मैं खुद ही लगा देता हूँ। कोई है नहीं, ये तोरी के नहीं है, ये करेले के बीज है, तो मैं इनको खुद ही लगा रहा हूँ क्योंकि है नहीं कोई लगाने वाला। अब आगे खाना खा के तो पब्लिक को जाना, तो मेरे को जाना कब जला ले जुड़िया।
ना छान लेते हैं, जिससे कि थोड़ा ये इस तरह के जो मिट्टी है ये यहीं पे रह जाए। दिखाओ इसमें जान, देखते हैं होता है नहीं होता इसमें। नहीं बेकार है यार, घोड़ देते हैं। तो दोस्तों इससे तो नहीं छन पा रही है ये, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनको सबको मेल्ट कर दें, यानी कि तोड़ दें इनको, क्योंकि ये बाद में ना परेशान करेंगी जब पौधा जर्मिनेट होगा, जब बीज जो जर्मिनेशन होगा तब दिक्कत आएगी। तो दोस्तों मैंने इस तरह अपनी जो सीड्स लगाए हैं, तो ये बड़े गिलास हो गए और इसमें कुछ छोटे गिलास हैं येलो वाले। तो अब इनको एक ये मैंने एक बर्तन लिया है और एक मैंने ये लिया है, तो मैंने इनको और इनमें पानी भी डाल दिया है, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया है सबको। अब ये 5-6 दिन बाद देखेंगे इनको जर्मिनेट होते हैं नहीं होते हैं। तो दोस्तों जर्मिनेशन होता है, तब तक के लिए बाय बाय। जर्मिनेशन के बाद दिखाता हूँ मैं आपको कि मेरे बीज जर्मिनेट हुए हैं या नहीं हुए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो जी, हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और मैंने एक वीडियो बनाई थी सीड्स जर्मिनेशन की, उसको देखते हैं कि उसमें जर्मिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने भी उस दिन से देखा नहीं है। और आज हमारे यहाँ धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है, तो मैंने इनको इस तरह कवर कर दिया था जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहे इनकी। तो अब देखते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी देना है और थोड़ा सा धूप निकली है तो धूप दिखाते हैं। इसको देखिए, एक तो मैंने ये डाला है और एक ये जूट की बोरा है जूट का, और इसमें लगाया। तो अभी दिखाते हैं आपको बाहर निकाल के। तो ये मैं बाहर लेके आ गया हूँ और देखते हैं इसमें, इसमें तो जर्मिनेशन हुआ तो है लेकिन बहुत कम है। ये है, कुछ निकले हैं लेकिन हो जाएगा, लगता है कि निकल ही आएंगे।